हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अशोका क्लासेस में। अपनी कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। आज की वीडियो में हम सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस को बहुत ब्रीफली कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आउटपुट डिवाइसेस को कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा है जो हमारा कंप्यूटर है उसके मेनली तीन काम होते हैं। सबसे पहले हम उस कंप्यूटर के अंदर इनपुट एंटर करते हैं, वो उस इनपुट को प्रोसेस करता है, देन हमें आउटपुट देता है। तो जिस डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट डालते हैं या फिर अपना डाटा डालते हैं, उसको बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस। उन्हें इनपुट डिवाइसेस को आज हमें पढ़ना है। देखिए, दे प्रोवाइड एन इंफॉर्मेशन लिंक बिटवीन यूजर एंड सीपीयू। ये लिंक की तरह एक्ट करते हैं बिटवीन यूजर एंड सीपीयू, क्योंकि यूजर से ये सीपीयू तक क्या लेके जाते हैं, इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, जिसको सीपीयू फर्दर प्रोसेस करता है। इनपुट डिवाइसेज आर दैट हार्डवेयर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो भी इनपुट डिवाइसेज है उन सबको हार्डवेयर बोला जाता है, विच आर यूज टू ट्रांसफर इनपुट टू कंप्यूटर। तो वो सारे हार्डवेयर जो कंप्यूटर तक हमारे डाटा या फिर जो हमारी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, उसको बोला जाता है इनपुट डिवाइस। इनपुट कैन बी इन फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स, साउंड, टेक्स्ट और इमेजेस। देखिए, इनपुट किसी भी फॉर्म का हो सकता है। हम टेक्स्ट के फॉर्मेट में भी इनपुट डाल सकते हैं, साउंड के फॉर्मेट में भी, ग्राफिक्स और इमेज किसी भी फॉर्मेट में हम इनपुट को डाल सकते हैं। इन्हीं फॉर्मेट्स के बिहाव पर हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइसेस को फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए, टेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो हमारे होते हैं, दैट इज कीबोर्ड। उसके बाद कर्सर कंट्रोल इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं, वो होते हैं माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, लाइट पेन एक्सेट्रा। उसके बाद ग्राफिकल इनपुट डिवाइसेस होते हैं स्कैनर, OCR, OMR, बारकोड रीडर एक्सेट्रा। उसके बाद साउंड इनपुट डिवाइसेस होते हैं माइक्रोफोन वगैरह। एक एक करके इन सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले हमारे टेक्स्ट इनपुट डिवाइस को देखते हैं, जो कि है कीबोर्ड, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक कंप्यूटर का। देखिए, कीबोर्ड लेआउट ऑफ कीबोर्ड इज सेम एज दैट ऑफ टाइपराइटर्स विद सम एडिशनल कीज। देखिए, आपने टाइपराइटर देखे होंगे जो कि पहले यूज किए जाते थे। टाइपराइटर क्या करते थे, जैसे हम टाइप करते थे हमें साथ के साथ उसका प्रिंट मिलता था। लेकिन कीबोर्ड का क्या काम होता है, कीबोर्ड में हम टाइप करते हैं तो हमें उसकी एक सॉफ्ट कॉपी, यानी कि हमें स्क्रीन पर वो वर्ड्स अब डिस्प्ले होते हुए दिखते हैं। टाइपराइटर्स की तरह ही होते हैं कीबोर्ड, लेकिन अब इसमें क्या हो गया है, कुछ कीज को ऐड कर दिया गया है। उसके बाद देखिए, लेआउट क्या होता है हमारे कीबोर्ड का, इसके अंदर होती है टाइपिंग कीज। टाइपिंग कीज के अंदर आती है हमारी जो लेटर्स वाली की होगी, यानी ए टू जेड जितनी भी कीज होंगी वो। और आप देखेंगे कि कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में आपको ऊपर की एक रो पे मिलेगा 0 से 9 तक की कीज, वो नंबर कीज भी हमारी किसके अंदर आती है, टाइपिंग कीज के अंदर। यानी लेफ्ट साइड की जो कीज होंगी वो हमारे कीबोर्ड की टाइपिंग कीज होती है। न्यूमेरिक की आप देखेंगे कि जो राइट साइड की होगी, जो कि एक पूरा का पूरा न्यूमेरिक हमारा कैलकुलेटर की तरह हमें दिखता है कीबोर्ड, वो हमारी क्या होती है, न्यूमेरिक की होती है। इसके अंदर 17 कीज आ जाती हैं। ये सारे के सारे हमारे किस लिए यूज की जाती है, न्यूमेरिक पर्पस के लिए यूज की जाती है। उसके बाद है फंक्शन कीज। आप देखेंगे कि जो कीबोर्ड की सबसे ऊपर वाली रो हमारी होती है, उसके अंदर F1, F2, F3 अप टू F7 हमारी क्या होती है, फंक्शन कीज होती है। फंक्शन की, हर एक फंक्शन की का क्या होता है, अपना एक स्पेशल पर्पज होता है। सभी फंक्शन कीज के पर्पज मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में बनाए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको जाकर देख सकते हैं। तो फंक्शंस की क्या होती है, कैसी की जो सबसे ऊपर की रो होती है हमारी, जिसमें हर की का एक स्पेशल पर्पज होता है। कंट्रोल की, देखिए ऐसी की जो हमारे स्क्रीन को या फिर कर्सर को कंट्रोल करने के यूज की जाती है, उसको बोलते हैं हम कंट्रोल की। इसके अंदर आ जाता है हमारी इंसर्ट की, आप देख सकते हैं इंसर्ट की या फिर डिलीट की, होम की, अल्टरनेट की, ये सारी हमारी क्या होती है, कंट्रोल की इसके अंडर आती है। उसके बाद है स्पेशल पर्पस की। स्पेशल पर्पस कीज के अंदर आते हैं जैसे कि एंटर, शिफ्ट हो गया, कैप्स लॉक हो गया, प्रिंट स्क्रीन कीज हो गई, जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज की जाती है, उनको बोला जाता है स्पेशल पर्पस कीज। तो ये हमारा टोटल लेआउट होता है, इतने टाइप की कीज से मिलकर हमारा कीबोर्ड बना होता है। और कीबोर्ड सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे किसका, कंप्यूटर का। एक्चुअल में अगर हम समझे कि तो कीबोर्ड वर्क कैसे करता है, कैसे सिर्फ हमारी एक की दबाने से वही जो हमने जो लेटर टाइप किया है वही हमें हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर शो हो जाता है, उसके पीछे पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म होता है, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जैसे ही हम कीबोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा। जो कीबोर्ड के अंदर करंट फ्लो होता है वो कांस्टेंट अमाउंट में होगा, यानी कि पूरे कीबोर्ड के अंदर एक सेम टाइप का करंट फ्लो होता है। जैसे ही हम किसी की को प्रेस करते हैं, उस की को प्रेस करने से उसकी वजह से क्या होगा, एक चेंज इन करंट प्रोड्यूस होगा। यानी अभी तक क्या हो रहा था, कॉन्स्टेंट करंट हमारे कीबोर्ड में फ्लो हो रहा था, जैसे ही हमने किसी की को प्रेस किया तो जो वो करंट था उसके अमाउंट में कुछ ना कुछ चेंज आना शुरू हुआ। उस चेंज को डिटेक्ट करता है हमारा कीबोर्ड प्रोसेसर।
कीबोर्ड प्रोसेसर को जैसे ही पता चलता है कि करंट में कहीं ना कहीं चेंज आया है तो वो क्या करता है, कोड जनरेट करता है, उसको बोला जाता है स्कैन कोड। उस स्कैन कोड को वो भेजता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एनालाइज करेगा, देखेगा, तब वो उसको भेजेगा सीपीयू के पास। सीपीयू तक जब वो मैसेज पहुंचेगा तब हमारा क्या होगा, वो मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। इस तरीके से जिस की को प्रेस करते हैं वही वर्ड हमें हमारी स्क्रीन पर शो होता है। देखिए उसका वर्किंग क्या है, मैंने लिखी हुई है, प्रेसिंग ए की केज अ चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। मैंने आपको बताया पूरे कीबोर्ड में एक कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, जैसे ही हम किसी की को प्रेस करेंगे उस कांस्टेंट करंट में क्या होगा, चेंज आएगा। ठीक है, कीबोर्ड प्रोसेसर डिटेक्ट इट एंड जनरेट अ कोड स्कैन कोड। कीबोर्ड का प्रोसेसर तभी डिटेक्ट करेगा कि अगर करंट में चेंज आया है तो मतलब कहीं ना कहीं क्या है, कोई वर्ड प्रेस हुआ है, तो वो क्या करेगा, एक कोड को जनरेट कर देगा जो कोड रिलेटेड होगा उस की से। अब वो क्या करेगा उस कोड को, देन सेंड इट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम बट अ कॉपी इज स्टोर्ड इन द कीबोर्ड मेमोरी। अब वो उस कोड की एक कॉपी को तो कीबोर्ड की मेमोरी में रखेगा, लेकिन उस कोड को अब आगे भेज देगा किसके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। देन ऑपरेटिंग सिस्टम इन्फॉर्म टू सीपीयू। अब इन्फॉर्म करेगा कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को, एंड देन वर्ड इज शोन ऑन मॉनिटर, और तब सीपीयू क्या करेगा उस वर्ड को मॉनिटर पर दिखाएगा। देन कीबोर्ड मेमोरी इज इरेज। देखिए हमने क्या किया था, बैकअप के लिए जो हमारा कोड जनरेट हुआ था उसको कीबोर्ड की मेमोरी में भी रखा था और उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भी भेजा था। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम तक वो कोड सक्सेसफुली पहुंच जाता है तो मेमोरी से वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो उसी की कॉपी हम क्या करेंगे, दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम तक सेंड करेंगे और सीपीयू उसको मॉनिटर पर दिखाएगा। वैसे तो देखिए कीबोर्ड के जितने भी कीज होते हैं, शॉर्टकट कीज हो गई, फंक्शंस कीज हो गई, सबको समझना जरूरी होता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कीबोर्ड के बारे में जानना इनफ है और आप ऐसे ही एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं। आइए नेक्स्ट इनपुट डिवाइस को यूज करते हैं, जो कि कर्सर कंट्रोल डिवाइस है, ना कि टेक्स्ट डिवाइस। कर्सर कंट्रोल डिवाइस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। देखिए माउस, माउस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर का। कीबोर्ड और माउस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस होते हैं। देखिए माउस इज अ स्मॉल बॉक्स विद अ बॉल एट बॉटम। हम सबने देखा है कि माउस एक छोटे बॉक्स की तरह होता है, ये देखने में चूहे जैसा होता है, इसलिए इसका नाम माउस रखा गया। इस पे क्या होता है, हमारी एक बॉल होती है इन द मिडल, देयर आर थ्री डिफरेंशियल स्विचेस ऑन द टॉप। देखिए माउस के टॉप पर हमारे पास नॉर्मली तीन स्विच बटन्स होते हैं, लेफ्ट राइट, और बीच में जो हमारा स्क्रॉल बार होता है वो भी एक बटन या स्विच की तरह ही एक्ट करता है। माउस इज रोल्ड ऑन द फ्लैट सर्फेस। हम जब जानते हैं कि माउस तभी वर्क करेगा जब उसको फ्लैट सर्फेस पे क्या करवाया जाएगा, रोल करवाया। माउस कैन बी यूज टू एंटर टेक्स्ट, जस्ट मूव कर्सर। माउस का काम है सिर्फ और सिर्फ कर्सर को स्क्रीन के ऊपर मूव करवाना, ये किसी तरह का टेक्स्ट एंटर नहीं कर सकता। देखिए यही है माउस की तीन चार पॉइंट्स। तो माउस मेनली दो टाइप के होते हैं, मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल माउसेस। मेनली जो हमारे यूज किए जाते हैं वो मैकेनिकल माउसेस ज्यादातर यूज किए जाते हैं। उस मैकेनिकल माउसेस में क्या होता है, देखिए मैकेनिकल माउस के अंदर एक मेटल बॉल यूज की जाती है, अ मेटल बॉल इज यूज्ड इन मैकेनिकल माउसेस। देखिए माउस जो हमने बात की उसका स्ट्रक्चर सेम वैसा ही होगा, एक छोटा बॉक्स होगा जिसके अंदर बॉल होगी। जिस बॉल की हमने बात की थी मैकेनिकल माउसेस के अंदर, वो बॉल बनी होगी मेटल की, कुछ केसेस में वो रबड़ की भी होती है। देखिए जब माउस को हम फ्लैट सरफेस के ऊपर मूव करवाएंगे तो वो बॉल भी उसी डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। उस बॉल के साथ हमारे मैकेनिकल सेंसर्स जुड़े हुए होंगे जो क्या करेंगे, उस बॉल के मोशन को डिटेक्ट करके कर्सर को भी सेम उसी डायरेक्शन में हमारी स्क्रीन पर मूव करवाएंगे। तो मैकेनिकल बॉल जिस माउसेस में हमारी यूज की जाती है उनको बोला जाता है मैकेनिकल माउसेस। ये थोड़े कम कॉस्टली होते हैं, इनको ऑपरेट करवाना ईजी होता है। उसके बाद ऑप्टिकल माउसेस, देखिए इसमें हम यूज करते हैं लेजर लाइट को, यानी इसमें कोई बॉल या फिर प्लास्टिक का कोई भी हम वो यूज नहीं करते, इसमें यूज की जाती है लेजर लाइट। लेजर लाइट जो है मोशन को डिटेक्ट करती है और उसी हिसाब से कर्सर को क्या कराती है, मूव करवाती है। देखिए इसके लिए ऑप्टिकल माउसेस के लिए हमारे स्पेशल फ्लैट मैट्स आते हैं जिसके ऊपर रखकर इन माउसेस को चलाया जाता है। ऑप्टिकल माउसेस थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं हमारे मैकेनिकल माउसेस। आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा माउस यूज किए जाते हैं वो मेटल बॉल वाले यानी मैकेनिकल माउस ही यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, मेटलिक सेंसर लगे हुए होते हैं। ऑप्टिकल माउसेस क्या होते हैं, जिसके अंदर लेजर से डिटेक्ट किया जाता है हमारे मोशन को और उसको दोबारा हमारी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। देखिए माउस ही सिर्फ एक पॉइंटिंग डिवाइस या फिर कर्सर कंट्रोल डिवाइस नहीं होता, कुछ और डिवाइस होते हैं जो कि कर्सर को कंट्रोल करते हैं। आइए अब उनको डिस्कस करते हैं। आइए पढ़ते हैं कुछ और पॉइंटिंग डिवाइसेस को, जिसमें है जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल एंड लाइट पेन, जो कि दिखने में कुछ ऐसे दिखते हैं। देखिए जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल और लाइट पेन तीनों के तीनों ही पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी
जिस तरीके से माउस एक्ट करता है उसी तरीके से ये सारे भी कर्सर को कंट्रोल करते हैं। आइए पढ़ते हैं काम कैसे करते हैं। जॉयस्टिक, इट इज अ स्टिक हैविंग स्फेरिकल बॉल एट अपर एंड बॉटम सर्फेस। आपने इमेज में देखा होगा कि ये एक स्टिक है जिसके अपर और बॉटम सर्फेस पे हमारे पास क्या है, बॉल लगे होते हैं। ये चारों डायरेक्शन में मूव करता है और उन्हीं उसी डायरेक्शन में हमारे कर्सर भी मूव करते हैं ऑन स्क्रीन। ये मेनली कहां यूज किए जाते हैं, गेम प्लेइंग में। आप देखा होगा कि जो बच्चों की गेम होती है वो मेनली जॉयस्टिक को यूज करते हैं, वो भी एक टाइप के क्या है, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस है। उसके बाद है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल देखिए माउस का एक छोटा रूप है, मोस्टली यूज इन लैपटॉप इंस्टेड ऑफ माउस। देखिए हम कंप्यूटर में यूज करते हैं माउस को, लेकिन जब लैपटॉप की बात आती है तो उसमें माउस की जगह किसने ले ली है, ट्रैक बॉल ने। ट्रैक बॉल भी पहले यूज किए जाते थे, अब ट्रैक बॉल की जगह भी रिप्लेस हो चुकी है, जो किसने ले ली है, हमारे टच पैड ने। देखिए पहले समझते हैं कि ट्रैक बॉल होती क्या है। ट्रैक बॉल आपने इमेज में देखा होगा कि ये एक बॉल की तरह होती है, एक फ्लैट सरफेस के ऊपर उभरा हुआ जो बॉल की तरह होगा उसको ट्रैक बॉल बोलते हैं। इसको हम कनेक्ट करते हैं हमारे लैपटॉप से। इसकी क्या है, इसने माउस के कैसे इसने माउस की जगह को रिप्लेस किया है, रिक्वायर लिटल आर्म मूवमेंट। इसके लिए ज्यादा आर्म मूवमेंट की जरूरत नहीं होती एंड लैक्स डेस्कटॉप स्पेस। स्पेस को भी इसने माउस के क्या कर दिया है, कम कर दिया है। लेकिन वो क्या होते हैं, हमें ट्रैक बॉल्स लगाने पड़ते थे पहले कंप्यूटर्स के अंदर, ट्रैक बॉल की जगह ले ली है टच पैड ने। यानी अब लैपटॉप्स के अंदर इनबिल्ट ही हमारे क्या होते हैं, पैड लगे हुए होते हैं, जो क्या कैसे काम करते हैं, हमारे कर्सर कंट्रोल डिवाइस की तरह एक्ट करते हैं, जो कि कर्सर को पॉइंट करवाते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर। उसके बाद है लाइट पैन। देखेंगे आप कंप्यूटर्स में नहीं बल्कि मोबाइल फोन्स में भी हम किसका यूज करने लगे हैं, लाइट पैन का, जिसके हम अपने फिंगर से नहीं बल्कि उस पेन से हमारे सारे के सारे स्क्रीन को ऑपरेट करवाते हैं। Then its tip is moved on the screen. Its photocell sensing element detect the screen location and send the signal to the CPU. देखिए कैसे हमारा पेन उसके मोशन को डिटेक्ट करता है और वही चीज हमें क्या होती है फिर आगे प्रोसेस होके दिखती है। तो इस जो हमारा लाइट पेन होता है इसके अंदर फोटोसेल एलिमेंट लगा होता है, जैसे हम उसको स्क्रीन पर मूव करवाते हैं वो डिटेक्ट करता है सिग्नल्स को, उन सिग्नल्स को भेजता है फिर किसके पास, CPU के पास। CPU फिर उन्हीं चीज को क्या करता है, आगे प्रोसेस करवाता है। तो ये हमारी फंक्शनिंग होती है लाइट पेन की। तो ये हमारे कुछ और पॉइंटिंग डिवाइस है जो एक्ट तो माउस की तरह करते हैं लेकिन उनके शेप साइज ने क्या कर दिया, उनके काम को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आइए पढ़ते हैं ग्राफिकल इनपुट डिवाइसेस को, जिसके अंदर हमें दो डिवाइस पढ़ने हैं, दैट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसको हम OMR भी बोलते हैं, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, एंड ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जिसको हम OCR भी बोलते हैं। देखिए OMR को हम सब जानते हैं, हम कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते हैं तो उसमें हम सबको एक OMR शीट दी जाती है। वो OMR शीट क्या होती है, हम सबको फिल करके सबमिट करनी होती है। अब देखिए जो OMR शीट को चेक करने के लिए या उसको पढ़ने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसको बोला जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर डिवाइस, और वो एक तरह का ग्राफिकल इनपुट डिवाइस होता है। वो वर्क कैसे करता है उसको आज देखते हैं। देखिए कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइज प्री स्पेसिफाइड मार्क्स मेड बाय पेन और पेंसिल। इसके अंदर क्या होता है, जो हमने पेन या पेंसिल के साथ उसमें मार्क कर दिया है उसको रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी हमारे किसके पास होती है, OMR डिवाइसेस के अंदर होती है। देखिए मार्क से पता चल रहा है कि जो हम मार्क बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ किसी निशान को ही ये क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है, किसी कैरेक्टर नंबर या सिंबल को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। उसके बाद देखिए OMR शीट हमारी वर्क कैसे करती है, कैसे कंप्यूटर जो है वो OMR शीट को रीड करता है। देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारी OMR शीट होगी उसके ऊपर जो हमारा OMR डिवाइस होता है वो एक लाइट फॉल करवाता है। जो हमने पेन या पेंसिल से निशान बनाए हैं उन पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर लाइट क्या आती है, हमारे OMR डिवाइस के पास वापस आती है। उस रिफ्लेक्टेड लाइट से पता चलता है कि हमारे मार्क की पोजीशन क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूं, मान लिया हमारे पास चार ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। इसी तरह से हमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर है बी, तो हमें बी वाले मार्क को क्या करना होता है, डार्क करना होता है। अब जैसे ही ऑप्टिकल मार्क रीडर डिवाइस इसके ऊपर लाइट फॉल करवाएगा तो इनसे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ बी वाले पॉइंट से हमारी क्या होगी, लाइट रिफ्लेक्ट होकर किस पे फॉल करेगी, हमारे ऑप्टिकल मार्क रीडर पे, और उसको ये पता चलेगा कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी है। इसी तरीके से पूरी की पूरी शीट को चेक किया जाता है यूजिंग ऑप्टिकल मार्क रीडर्स। OMR डिवाइस फोकस लाइट ऑन द पेज, एक लाइट फोकस की जाती है पेज के ऊपर। मार्क्स मेड बाय पेन विल रिफ्लेक्ट द लाइट, जो हमने मार्क उसके ऊपर बनाया है सिर्फ उन्हीं पॉइंट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी किस में जाती है, OMR डिवाइस में जाती है। उसके बाद है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। देखिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यहां से भी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या करेंगे, हम कैरेक्टर्स को भी अब क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, कैरेक्टर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, यानी कैरेक्टर्स को भी कंप्यूटर क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। कैपेबल ऑफ डिटेक्ट
डिटेक्टिंग कैरेक्टर्स और नंबर्स ऑन अ पेपर। पेपर के ऊपर अगर हमने कोई कैरेक्टर या नंबर या सिंबल प्रिंट करवा दिया, उसके भी हम कैपेबल है उसको रीड करने के लिए। उसके लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है दैट इज OCR। उसके बाद देखिए, कैरेक्टर्स को रीड अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। कैरेक्टर्स दोनों ही फॉर्मेट में हो सकता है, वो हैंड रिटन भी हो सकता है और टाइप रिटन भी हो सकता है, यानी वो टाइप हम टाइप करके भी प्रिंट निकाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं, हम हाथ से लिख के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम टाइप रिटन फॉर्म की बात करें तो उसके लिए जो हमारे कैरेक्टर्स होंगे वो एक स्पेशल फॉन्ट में होने चाहिए, जिसको बोलते हैं OCR फॉन्ट। अगर OCR फॉन्ट में कैरेक्टर होंगे तभी OCR रीडर उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। और हैंड रिटन के लिए कंडीशंस होती है कि उसका स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, वर्ड्स के बीच की स्पेसिंग ये होनी चाहिए, बहुत सारे स्टैंडर्ड इसके लिए हमें बनाने पड़ते हैं, तभी जो OCR रीडर है वो उसको परफेक्टली डिटेक्ट करेगा, अदरवाइज वो उसको रिजेक्ट कर देगा। यूज्ड इन रीडिंग पिन कोड्स इन पोस्ट सर्विसेज। आप देखेंगे पिन कोड्स को रीड करने के लिए यूज किया जाता है OCRs का, या फिर बैंक में चेक को रीड करने के लिए भी यूज किया जाता है हमारे OCRs का। एक ग्राफिकल इनपुट डिवाइस रह गया था, दैट इज बार कोड, उसको और देख लेते हैं। देखिए बार कोड रीडर होता क्या है, हम जितने भी आजकल के हमारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं उन सब के ऊपर एक कोड बना होता है स्पेशल टाइप का, जिसको बोला जाता है बार कोड। या क्या होती है, वो सीधी वर्टिकल लाइंस होती हैं, डार्क लाइंस होती हैं, जिनको हम बार कोड बोलते हैं। बार कोड एक ऐसा कोड है जिसको सिर्फ मशीन ही समझ सकती है, और जो हमारा डिवाइस इस कोड को रीड करता है उसको बोला जाता है बार कोड रीडर। देखिए काम कैसे करता है, बार कोड इज अ मशीन रीडेबल कोड इन फॉर्म ऑफ पैरेलल वर्टिकल लाइंस। बार कोड होता क्या है, दीज कोड आर स्कैन बाय ए फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस बाय रिफ्लेक्टिव लाइट। देखिए क्या होता है, जो ये कोड है ये स्कैन किए जाते हैं एक डिवाइस के द्वारा, जिसको बोला जाता है बार कोड रीडर। वो क्या करता है, एक लाइट फॉल करवाता है बार कोड के ऊपर, वो लाइट जो हमारी वर्टिकल लाइंस होंगी उनसे रिफ्लेक्ट होकर क्या होगी, बार कोड रीडर के अंदर इंफॉर्मेशन भेजेगी। इस तरह से वर्क करता है हमारा बार कोड रीडर। द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन बार कोड देन फीड इन टू द कंप्यूटर। अब जो बार कोड के अंदर इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्शन से रिकॉर्ड हो चुकी है उनको कंप्यूटर के अंदर फीड किया जाता है और मैनिपुलेट करवा के देखा जाता है कि क्या वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं। आइए अब देख लेते हैं एक साउंड इनपुट डिवाइस को, जो है माइक्रोफोन। देखिए इट बाय यूज ऑफ माइक्रोफोन साउंड इज स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्म। जैसे ही हम माइक्रोफोन के अंदर अपना कुछ भी साउंड की फॉर्मेट में डाटा को स्टोर करते हैं, ये माइक्रोफोन उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको कंप्यूटर को सप्लाई करता है, और कंप्यूटर क्या करता है फिर उसको एक बड़े लेवल पे ट्रांसफर कर देता है। जैसे माइक्रोफोन्स को हम नॉर्मल लैंग्वेज में माइक भी बोलते हैं, जैसे ही माइक में हम कुछ बोलते हैं हमारा एम्पलीट्यूड भले ही बोलने का क्या हो कम हो, लेकिन हमारी आवाज जो है वो बहुत सारे लोगों तक एक टाइम पे पहुंच सकती है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, हमारा डिजिटल फॉर्म का जो डाटा है वो कंप्यूटर को फीड किया जाता है एंड देन कंप्यूटर मेक इट ब्रॉडकास्ट, और कंप्यूटर उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है। ये है माइक्रोफोन, इसको बोला जाता है हमारा एक साउंड इनपुट डिवाइसेस। देखिए इमेज इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमारा कैमरा आता है, जो हम नॉर्मली हमारे फोन्स में यूज करते हैं, ये हमारा एक इमेज इनपुट डिवाइस। हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे ग्राफिक्स इनपुट डिवाइस, टेक्स्ट इनपुट डिवाइस, साउंड इनपुट डिवाइस और इमेज इनपुट डिवाइस को डिस्कस किया है। यही मेन हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं किसी भी कंप्यूटर के साथ, इनको हार्डवेयर भी बोला जाता है। मेनली एग्जाम्स में यही पूछे जाते हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हमने सारे के सारे इनपुट डिवाइसेस को हमारी वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो होगी आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर, जिसमें हम सारे आउटपुट डिवाइसेस को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।